चीन की घुसपैठ का मुद्दा जिनपिंग के सामने उठाएगा भारत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कल भी हुई थी घुसपैठ पर बात। चीन ने घुसपैठ से दिया हिंदुस्तान की खातिरदारी का जवाब। लद्दाख में चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ। करीब 350 चीनी सैनिकों ने भारत की धरती पर डाला डेरा। राष्ट्रपति भवन में शी जिनपिंग का औपचारिक स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े मंत्री थे मौजूद। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ होगी शिखर वार्ता। बुलेट ट्रेन पर भी हो सकती है बात। महाराष्ट्र में बीजेपी ने छोड़ी 135 सीटों की जिद। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी ने तैयार किया नया फॉर्मूला। 127 पर बीजेपी तो 151 पर शिवसेना लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी में भी सीटों के बंटवारे पर तकरार है जारी। गठबंधन को लेकर आज मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक। लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ के बयानों को सुशील मोदी ने बताया गलत। अंग्रेजी अखबार से कहा बिहार में योगी के बयानों का बीजेपी करती विरोध। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर लड़की गिरफ्तारी की तलवार। पुलिस इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में पुलिस ने भेजा समन। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल। साथी कैदी ने चाकू से दूसरे कैदी की हत्या। डकैती के आरोप में सजा काट रहा था मृतक। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। नरेला के टोल पर बदमाशों ने की फायरिंग। एक शख्स घायल। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली से सटे नोएडा के जीआईपी मॉल में नशे में धुत रही जादों का हंगामा। नामी बार में लड़कियों से छेड़खानी के बाद हुई मारपीट। मामला दर्ज। हरियाणा के यमुनानगर में दो गुटों में झड़प। दोनों तरफ से फायरिंग। पुलिस पर भी पथराव। दो गुटों में पिछले कई दिनों से चल रहा है विवाद। धारा 144 लागू। बदायूं रेप केस में फिर आया नया मोड़। सीबीआई के मुताबिक मामले में मुख्य गवाह लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एलएलबी की एक छात्रा से गैंगरेप। करीबी पर आरोप नया मोड़। सीबीआई के मुताबिक मामले में मुख्य गवाह लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एलएलबी की एक छात्रा से गैंगरेप। करीबी पर आरोप। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ में नौकरी का झांसा देकर लड़की से गैंगरेप। मामला दर्ज लेकिन अब तक नहीं हो सकी गिरफ्तारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इंसाफ न मिलने पर गैंगरेप पीड़ित लड़की ने खुदकुशी की। सरपंच समेत तीन लोगों पर आरोप। पुलिस पर लापरवाही के आरोप। उमर के पास थाने में एक शख्स ने एक तरफा प्यार में लड़की की हत्या। आरोपी फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के कल्याणपुरी में हादसा। बाइक सवार दो युवकों की मौत। दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने एक बाइक से चार युवक जा रहे थे। बैलेंस बिगड़ने से गिरी बाइक। दो की हालत गंभीर। ऑस्ट्रेलिया में एक 87 साल की महिला का कारनामा। 12,000 फीट पर उड़ रहे प्लेन से लगाई छलांग। सामाजिक कार्य के लिए फंड जमा करना मकसद। ब्रिटेन से अलग होने पर स्कॉटलैंड में आज है जनमत संग्रह। 42 लाख लोग लेंगे हिस्सा। 300 साल से ब्रिटेन के साथ है स्कॉटलैंड।